हर गंगीर, हर हर गंगीर। आज माँ रुद्रगंगा की यात्रा जम्मू कठुआ से जम्मू पहुंची है गीता भवन में, और यहाँ से भी यात्रा जाने वाली है चंद्रेनी पहाड़। और लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यात्रा का स्वागत करते हुए, और हम सब यहाँ पे यात्रा के साथ जुड़े हैं। गंगा मैया, गंगा मैया हम सबके परिवारों के साथ। हमारे मिलिट्री वाले भाई बहुत ही बढ़िया यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही खुश यहाँ पे जनता यात्रा करिए। जय गंगा मैया, गंगा मैया हम सबके परिवारों की रक्षा करे। पूरे देश में, पूरा इलाका खुशी से झूमे इस यात्रा में। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग यात्रा में आए और यात्रा की शोभा बढ़ाएं। जय गंगा मैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गीता भवन का नजारा दिखा रहा हूँ आपको। गीता भवन में सारे ही श्रद्धालु माँ गंगा के इस कुंड में हाजिरी लगाने के लिए बहुत ही बेताब हैं। सभी से निवेदन है कि आके माँ गंगा के इस कुंड में हाजिरी लगाएं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। देखिए लोग बाहर से आके इस कुंड का आनंद लेते हुए। रुद्रगंगा के बारे में बोलते हुए बहुत ही बढ़िया कुछ बातें बता रहे हैं रुद्रगंगा माता के बारे में। ये हमारी प्रेसिडेंट साहब, पूरी टीम यहाँ पे आशीष जी। सत्यनारायण भगवान जी हमारे गीता भवन में हैं, यात्रा पे आए हैं, तो इनके दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। जय हो, जय हो, जय हो सत्यनारायण। मैं मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुछ साधु ये जो यात्रा है ये बहन माँ गंगा के लिए, यह माँ गंगे रक्षा करना, ये माँ गंगा की बहन है। ये त्रिशूल छड़ी मुबारक चंद्रेनी पहाड़ में जाके माँ के चरणों में अर्पित होगा, और यही हमारी त्रिशूल जो है, छड़ी है, यही यात्रा है, यही सत्संग है, यही भोले है, यही प्रभु है, यही संसार है। जय माँ गंगे, माता गंगे तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हर हर महादेव, बोले 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुद्रगंगा, रुद्रगंगा महादेव, रुद्रगंगा महादेव, रुद्रगंगा महादेव, रुद्रगंगा महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, रुद्रगंगा महादेव, रुद्रगंगा महादेव, रुद्रगंगा महादेव। गंगा मैया की जय, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे आप देखिए तरह तरह की जड़ी बूटी आपको मिलेगी। एक छोटी सी एक दवा जो कि आपको पूरे जितनी भी बीमारियां होंगी, एक पानी के शफा, इतना पानी के अंदर इतनी शफा है कि ये पानी के घोट पीने से आपके अंदर की सारी बीमारियां दूर हो जाए।
Thank you.